हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको मोर के पंखों की तरह दिखने वाले बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, और सबसे अच्छी बात, ये मिठाई हम बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसानी से कम इन्ग्रीडियंट के साथ बनाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, इस बेहतरीन मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने एक पैन को रख दिया है गैस पर। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और जितना चीनी लिया है मैंने उतना ही पानी भी डाल देंगे। एंड गाइस, क्या चीज़ मैंने कितना यूज़ किया है, इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो हम लगातार चलाते हुए इसकी चाशनी बना लेंगे, और चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए और एक चिपचिपी सी चाशनी हमें तैयार करनी है। बिल्कुल भी कोई तार नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अब मैं इसमें फ्लेवर और खुशबू के लिए यहाँ रोज़ एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अच्छे से ये चिपचिपी सी चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, और फ्लेम बिल्कुल लो पे रहेगा, नहीं तो गांठें बन जाएगी, यानी कि लम्स बन जाएंगे। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसे स्मूथ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, अच्छे से स्मूथ हो गया है, सभी चीज़ें मिल गई हैं आपस में अच्छी तरीके से, कोई लम्स नहीं है। तो जब इस तरह से घुल जाए अच्छे तरीके से चाशनी में मिल्क पाउडर, तो हम इसमें ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए लो फ्लेम पे। एंड गाइस, यहाँ पे फिर मैं बता दूँ कि आपको इन्ग्रीडियंट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं उसे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब तक ये पैन नहीं छोड़ता हम चलाते रहेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं, कुछ ही देर में ही ये बिल्कुल एकजुट हो गया है, डो के फॉर्म में आ गया है। तो ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे किसी बाउल में। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसे निकाल लिया है, थोड़ा सा मसल लेंगे हाथों से। तो अब हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसे टू पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लूँगी। इसका एक पार्ट हम साइड में रख देंगे निकाल कर, एंड जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है उसे भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें का एक भाग थोड़ा सा बड़ा होगा और एक थोड़ा सा छोटा। तो उनमें का बड़ा पार्ट हम साइड में रख देंगे, और छोटे वाले पार्ट्स में हम कलर ऐड करेंगे, फूड कलर। तो मैं यहाँ पे लिक्विड वाला कलर यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिया है पिंक कलर। बस एक ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिया है, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये कलर मेरे हाथों पे ना लगे। तो देखिए, ये तैयार हो चुका है पिंक कलर का, कितना ही खूबसूरत कलर है इसका। अब हम दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे, जो हमने थोड़ा बड़ा रखा था, उसमें से भी और दो भागों में उसे तोड़ेंगे। तो उसमें से एक भाग थोड़ा बड़ा रहेगा और एक थोड़ा छोटा। तो फिर से हम छोटे वाले भाग को साइड में रख देंगे, और बड़े वाले भाग में ब्लू कलर, लिक्विड ब्लू कलर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से कलर मिला लेंगे, और उसी तरह से इसे कलरफुल बना लेंगे, ताकि हम जो मिठाई तैयार करने वाले हैं वो एग्जैक्टली मोर के पंखों की तरह तैयार हो। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह का डो हमने तैयार किया है, जिसमें कि सबसे बड़ा वाला पार्ट वाइट है, उसके बाद वाला जो हम पार्ट रखेंगे वो पिंक है, एंड फिर ब्लू है, फिर सबसे लास्ट वाला वाइट है। इस तरह से तैयार कर लें। तो अब हम एक प्लास्टिक ले लेंगे, यानी कि पन्नी। तो इस तरह से मैंने एक पन्नी ले ली है, जिसमें हम इसे रोल करेंगे। डायरेक्टली हम इसे चकले या बेलन पे रोल करेंगे तो ये चिपकेंगे। तो इस तरह से हम ले लेंगे एक प्लास्टिक यानी कि पन्नी, और उसके ऊपर रखते हुए इसे एक शेप देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे शेप दे रही हूँ। तो सबसे छोटा वाला जो पार्ट था वाइट कलर का, सबसे पहले मैं उसे इस तरह से रोल कर लूँगी लंबाई में। ये देखिए, ये तैयार हो चुका है, इस तरह से रोल कर लिया मैंने, ये तैयार हो चुका है। अब इसे साइड में रख दूँगी मैं। अब दूसरा वाला तैयार करूँगी, जो इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे छोटे वाले भाग को तैयार कर लिया था मैंने, और उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा बड़ा वाला ले लिया है, और उसे भी उसी तरह से रोल कर लूँगी मैं, और उसी साइज़ में तैयार कर लेंगे हम इसे।
तो ये देखिए मैंने इस वाले भाग को भी तैयार कर लिया है और इस तरह से देख लेंगे, एक ही साइज़ के होने चाहिए सभी। तो ये भी तैयार हो चुका है। अब इस तरह से पॉलिथीन यानी कि पन्नी को इस तरह से ऊपर से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से दबा लेंगे हम, और ऊपर से बेलन की हेल्प से थोड़ा सा इसे बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे बेल रही हूँ, थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ब्लू वाले पार्ट को बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम वाइट वाला पार्ट इसके बीच में रखेंगे और वाइट वाले पार्ट को कवर करते हुए इसे रोल कर लेंगे। तो इस तरह से पन्नी से फोल्ड करते हुए इसे रोल करेंगे तो ये बहुत ही चिकना और स्मूथ होगा। तो देखिए ये अच्छे से रोल हो चुका है, इसे साइड कर देते हैं। तो अब इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम सभी तैयार कर लेंगे, इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे एक के ऊपर एक। सो गाइस सभी पार्ट्स को मैंने एक के ऊपर एक रोल कर लिया और इस तरह से उसे लपेट लेंगे उसी पन्नी में और इसे हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। गाइस 1 घंटा हो चुका है और मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है, तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके दोनों साइड्स निकाल लूँगी क्योंकि ये बराबर नहीं है, अच्छे नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से मैं इसे कट करके अलग कर लूँगी। तो अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे, तो बहुत मोटे या पतले पीसेस ना रखें। तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं मैंने कितनी रखी है। तो इसे कट करके मैं इसे आपको एक बार क्लोज़अप से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर और डिज़ाइन आया है। कैन यू बिलीव इट गाइस कि इसे हमने घर पे आसानी से खुद से बनाया है। इस मिठाई को जितना बनाने में मज़ा आया है उससे कई ज़्यादा खाने वाले को मज़ा आएगा, ये इतनी टेस्टी है। तो इस दिवाली ज़रूर ट्राई करें इस बेहद ही खूबसूरत और नई तरह की मिठाई को। तो गाइस हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा सा पीसे से डेकोरेट कर दूँगी यानी कि सजा दूँगी, तो ये बिल्कुल मोर के पंखों की तरह दिखेगा, इसका लुक एग्जैक्टली सेम आएगा। तो देखिए मैंने इसे थोड़ा सा पिस्ते से सजा दिया है, ये बिल्कुल मोर के पंखों की तरह लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नई तरह की मिठाई आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।